So prepare yourself for that. Don't have too high expectations. Don't think कि आपकी summer winter आ गया है तो हमें ज़्यादा range मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही है. इसका simple reason है guys. अगर single digit, उनको जो सबसे बड़ी problem face करनी पड़ेगी वो है region में. रीजन में प्रॉब्लम क्यों फेस आएगी? बिकॉज जब बैटरी पैक ठंडी हो जाती है, ऑफ कोर्स आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है कि हीटर की भी ज़रूरत पड़े. तो यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट पीपल माइट फेस प्रॉब्लम इन रेंज. LFP बैटरी पैक हो या NMC हो, लिथियम आयन बैटरी पैक्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ऑडली बिहेव करती है. मैं नेक्सॉन ईवी चलाता हूँ. मैं समर्स में जहाँ पर मुझे 320-330 विथ एसी मिल रही थी सिटी में, वो अब विथ एसी 370 चली गई है. विदाउट एसी 400 प्लस किलोमीटर्स की मेरे को रेंज अपनी कार में मिल रही है. अगेन, योर मोटर टेम्परेचर, योर बैटरी टेम्परेचर, सेल टेम्परेचर्स, ऑल विल बी जस्ट. होप इट इज क्लियर. आई हैव ट्राइड टू कवर इट फ्रॉम ऑल रीजन स्पेसिफिक. नाउ लेट्स कम टू सम प्रो टिप्स विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस. तो क्या आप भी एक ईवी चलाते हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि विंटर्स में अपने ईवी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, क्या बेनिफिट्स या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ईवी के ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए बनने वाली है. नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहां पर मैं कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके संग शेयर करूंगा अपनी ईवी को लेकर, जहां पर विंटर्स में इसका बेस्ट बेनिफिट जो है वो उठा सकते हो. वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग. तो चलो वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं रीजन स्पेसिफिक. सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडिया की, बिकॉज हम जिस कंट्री में रहते हैं गाइज, इंडिया में इतनी डाइवर्स क्लाइमेट है जहाँ पर साउथ में उतनी ज़्यादा ठंड का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहीं पर नॉर्थ में एक्सट्रीम वेदर्स पे हम पहुँच जाते हैं. ऑल्सो एट द सेम टाइम लिथियम आयन बैटरी, भले ही वो LFP हो या NMC हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ऑडली बिहेव करती हैं. जहाँ पे समर्स में रेंज गिरती है, एक्सट्रीम विंटर्स में जहाँ पे सिंगल डिजिट टेम्परेचर है, आपको हीटर चलाना पड़ता है कार में, वहाँ पर भी रेंज ड्रॉप हो सकती है. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि साउथ इंडिया में रेंज पे या फिर ईवी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और आप किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओके, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी अदर सदर्न स्टेट. यहाँ पर गाइज समर्स जितने एक्सट्रीम होते हैं, विंटर्स उतने मेलो होते हैं. विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो अराउंड 10-15 डिग्रीज तक ही जाता है एट नॉर्मल सिचुएशन. ऑफकोर्स अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो इन दिस केस दिस इज द बेस्ट टाइम आप अपनी ईवी से बेस्ट रेंज निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो कभी कभी बिना विदाउट एसी भी चल सकती है, और अगर एसी चलती भी है तो आपका मोटर और आपका जो बैटरी पैक है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, जिसके वजह से रेंज बहुत अच्छी निकलती है. और गाइज रिमेंबर, इन ऑल केसेस बेस्ट रेंज आपकी निकलेगी 20% से 80% के बीच में. फर्स्ट 20% जो 100 से 80 होता है उसमें भी अच्छी रेंज अब निकल के आ जाएगी, स्पेशली फॉर साउथ इंडियन यू नो फैमिली हु इज़ ड्राइविंग एन ईवी. प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप अगर साउथ इंडिया से हो, कौन से स्टेट, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी ईवी चलाते हो, और आपकी ईवी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. सो अपने ईवी को बेस्ट इन्जॉय करेंगे साउथ इंडियंस, एंड बहुत अच्छी रेंज निकलेगी. अमेजिंग लैंडस्केप्स पर आप लॉन्ग ड्राइव्स पर अभी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साउथ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लस अमेजिंग हिल स्टेशंस हैं, प्लस वहां पर अलग अलग जगह है जहां पर आप लॉन्ग ड्राइव्स पर अभी निकलो अपनी फैमिली के साथ में, बहुत मजे आने वाले हैं. सो नेट नेट फॉर द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, विंटर्स इज गोना बी फन. EVs are gonna give you the maximum range possible. Moving on to the western part of the country, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश को भी चलो काउंट में ले लेते हैं, राइट?
यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड आपको मिलेगी। उसके वजह से क्या होगा, गाड़ी में एसी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ने वाली है, जिसके वजह से साउथ इंडिया के कंपैरिजन आपको ज़्यादा रेंज अपनी ईवी में मिलेगी। बट एट द सेम टाइम गाइज, जब मैं रीजन स्पेसिफिक जो अपनी आइडियाज़ है वो शेयर कर लूँगा टूवर्ड्स द एंड में, कुछ कॉमन टिप्स हैं जो मैं सब अपने ईवी यूजर्स को देना चाहूँगा, उसके लिए बने रहो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। वो टिप्स, कॉमन टिप्स मैं आपको विंटर ईवी प्रो टिप्स दूंगा। सो वेस्टर्न इंडियन फैमिली, यू आर ऑल्सो गोइंग टू इन्जॉय योर ईवी अलॉट। ऑफकोर्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू टेक आउट योर कार, गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, जस्ट इन्जॉय इट। एसी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी हल्का सा शीशा जो है ना, ये हल्का सा ऐसे डाउन कर लो, अगर ये वाइजर टाइप का जो देखते हो ये चीज़, ये लगवा लोगे अगर आप, हल्का सा शीशा डाउन कर लो, वो हवा भी अगर अंदर घुसेगी तो अंदर में जो फॉगी टाइप का जो हो जाता है वो भी बच जाएंगे। बट अगेन फॉर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर इंडिया ऑल्सो, यू विल इन्जॉय योर ईवी and mostly will be driving it without the AC. Now, let's come to the eastern part of the India. Now, eastern part of India, जहाँ से मैं belong करता हूँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हाँ इनको ही अगर मैं बोलूँ तो हमारे लिए भी वेस्टर्न के कंपेरिजन में ही एक्सपीरियंस रहने वाला है, जहाँ पर ईवी की बेस्ट रेंज हमें निकल के आने वाली है। मैं नेक्सॉन ईवी चलाता हूँ, मैं समर्स में जहाँ पर मुझे 320-330 विथ एसी मिल रही थी सिटी में, वो अब विथ एसी 370 चली गई है, विदाउट एसी 400 प्लस किलोमीटर्स की मेरे को रेंज अपनी कार में मिल रही है, एंड आई एम लविंग इट। सुबह पहले एसी के बगैर मैं गाड़ी को चलाता हूँ, दोपहर में एसी की ज़रूरत पड़ती है तो एक सिंपल 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके मैं आराम से मज़े लेता हूँ। मेरी गाड़ी आज के डेट पर विंटर्स पे मैं सजेस्ट करूँगा, वंस अगेन द बेस्ट टाइम टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। आप अगर चाहें तो नॉर्थ ईस्ट घूमने जा सकते हैं, साउथ जा सकते हैं, वेस्ट जा सकते हैं, बहुत जगह हैं। अभी ये टाइम है, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हो, टेक योर ईवी आउट, टेक इट आउट विथ योर फैमिली एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स इज पॉसिबल। अगेन your motor temperature, your battery temperature, cell temperatures, all will be just moderate, okay? So all the best, go for it. But now we have to talk about the north and the northeast. Pehle chaliye northeast ki baat karte hain. Northeast, as we know, becomes very very foggy, unlike north india jahan par of course kuhasa hota hai, but bahut extreme kuhasa apne ko northeast mein milta hai, plus hilly रीजन है। यहाँ पर मेरी ईवी फैमिली जो नॉर्थ ईस्ट पे है, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो है रीजन में। रीजन में प्रॉब्लम क्यों फेस आएगी, बिकॉज जब बैटरी पैक ठंडी हो जाती है और मोटर जब ठंडा होता है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो उतनी इफेक्टिवली काम करना बंद कर देती है, और जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग इफेक्टिवली काम करना बंद कर दे तो आपकी जो रेंज इंक्रीज जो होती थी उसकी वजह से वो होना बंद हो जाती है। ऑफकोर्स आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है कि हीटर की भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट पीपल माइट फेस प्रॉब्लम इन रेंज। आपको हो सकता है रेंज थोड़ी कम मिले, अगर आपको समर्स में समझ लो 300 की रेंज मिल रही थी फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर साउथ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया को 300 से 350 की रेंज मिलेगी, आपको हो सकता है 310-320 की ही इंक्रीमेंट अपने रेंज में मिले, ओके? बट उसमें आपको रेंज से वरी नहीं करना है, आपको सबसे ज़्यादा वरी करना है आपके रीजन से। तो जब आप डाउनहिल जा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पर्टिकुलर रीजन काम करेगा, कार अगर जस्ट आपने स्टार्ट की है तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज रीजन थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है। अब आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया, जो हो गया बेसिकली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, NCR, पंजाब, JNK, हरियाणा वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बिकॉज अभी पोल्यूशन की वजह से NCR में ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कुहासा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सो इज़ विद उत्तर प्रदेश। और नॉर्थ में तो जितने नॉर्थ आप जाओगे उतना एक्सट्रीम वेदर आएगा।
जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, LFP बैटरी पैक हो या NMC हो, लिथियम आयन बैटरी पैक्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ऑडली बिहेव करती है। तो अपने नॉर्थ इंडिया साइड वालों को जहाँ पर समर्स में कम रेंज मिलती है, विंटर्स में भी हीटर की ज़रूरत पड़ती है और आपको वहाँ पर भी रेंज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट, डोंट हैव टू हाई एक्सपेक्टेशंस, डोंट थिंक कि आपकी समर विंटर आ गया है तो हमें ज़्यादा रेंज मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही है। इसका सिंपल रीज़न है गाइज, अगर सिंगल डिजिट टेम्परेचर पर आप रह रहे हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो कि जब आप विंटर्स में जैसे पंजाब साइड में, लुधियाना साइड में, इवन दिल्ली में, बहुत लोग मुझे बोलते हैं जब मेरे पैन इंडिया कम्युनिटी पर मैंने एक पोल डाला था कि रेंज इंक्रीज़ हुई कि डिक्रीज हुई, सब ने इंक्रीज बोला था कि विंटर्स में हमारी रेंज इंक्रीज़ हो रही है, बट नॉर्थ इंडिया में 50-50 था, जहाँ पे कुछ लोगों ने बोला रेंज इंक्रीज़ हुई है, कुछ लोगों ने बोला रेंज डिक्रीज़ हुई है। दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न वाई That is happening, and of course, even for you, extreme temperatures में region जो है वो कम काम करेगा, जिसके वजह से जो आपकी range increase हो सकती थी वो भी थोड़ी सी कम होगी। But हाँ, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे, this goes out for everyone, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे motor थोड़ा सा गर्म होगा, battery pack थोड़ी सी normal गर्म, in the sense warm up करेगी, जैसी warm up करेगी तो अपने आप normalize करना start कर देगी, but ये initial टाइम पर जो रेंज जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। सो होप इट इज क्लियर, आई हैव ट्राइड टू कवर इट फ्रॉम ऑल रीजन स्पेसिफिक। नाउ लेट्स कम टू सम प्रो टिप्स विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। सबसे पहली प्रो टिप, जिस तरह से हम समर्स में अपनी गाड़ी को प्री कंडीशन करते थे, अगर आप एक एक्सट्रीम टेम्परेचर, सो दिस गोज आउट फॉर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट प्राइमरीली, अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह पर रहते हो तो अपनी गाड़ी को प्री कंडीशन करो, जहां पर 25 डिग्री में अपने, या फिर 25-26 डिग्री में अपने कार को प्री हीट कर लो, जब चार्ज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसी टाइम पर ऐप के थ्रू में प्री हीट कर लो, सो दैट जब आप गाड़ी में बैठो और जब गाड़ी को चलाओ तो वहां से आपको ट्रू रेंज मिलनी स्टार्ट कर दे। अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंजॉय, यस यू कैन ऑल्सो प्री कंडीशन योर कार, देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, अगेन यू डिसाइड कि आप किस तरह के वेदर कंडीशन में हो। जैसे कैलकटा में कभी कभी टेम्परेचर बहुत लो जाता है, पटना बिहार साइड में तो और भी लो जाता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, सो अकॉर्डिंगली ट्विक कर लेना। सेकेंड प्रो टिप, जिस तरह से समर्स में हमारी जो टायर प्रेशर जो होता है वो इन्फ्लेट करने लगता है, आप समझ लो अगर जैसे मेरे गाड़ी का 34 है, वो 34 जैसे जैसे आप चलाओगे वो 34 से 35-36 विंटर्स में क्या होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो श्रिंक करता है। अपने टायर प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना, आप सबके पास में आजकल तो हमें स्पेयर टायर नहीं देकर टायर इन्फ्लेटर किट देता है, वो पूरा का पूरा किट सड़े जाता है डिक्की में पड़े पड़े, उसको यूज़ करो जहाँ पर आपको लगे कि आप ठंड में कि आपकी कार का जो टायर प्रेशर है वो 33-32 उतर आया, प्लीज़ उसको 35 कर दो, क्योंकि वो फिर से उतर के 34 पर आ जाएगा। तो टायर प्रेशर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट टिप गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो मैंने अपने ईवी में समझा, वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर में ऑटो पे एसी को मत रखो, डोंट। एसी को नॉर्मल आप एक टेम्परेचर सेट करो जो आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर है और उसी पर ही एसी पे सेट करो, ऑटो को ऑफ कर दो, ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑटो क्या करता है, जैसे ही देखेगा कि आपका आपकी गाड़ी ठंडी हो गई तो गर्म हवा फेंकने लग जाएगा, सो इट इज़ वर्किंग ओवर टाइम एंड वाइसी वर्सा। सो सिंगल टेम्परेचर पे एसी को एसी पे रखो, ऑटो पे नहीं। क्लियर? अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे लाइक करना, अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, सो दैट ये बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रो टिप पर। द नेक्स्ट प्रो टिप इज योर रीजन, जैसा मैंने बोला। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में हो और आपकी रीजन दिखा रही है कि वो काम कर रही है बट उतनी इफेक्टिवली नहीं कर रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ये होता है, दिस इज़ हाउ द टेक वर्क्स, दिस इज़ हाउ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल्स वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऑफकोर्स एज आई सेड, रीजन अगर सही से काम नहीं करेगा तो जो रेंज आपको इन्हेंस होने वाली थी वो उतनी नहीं हो पाएगी। सो इट्स ओके, इट इज़ वॉट इट इज़। देखो ऐसा कि नहीं कि ईवी है इसलिए ऐसा है, नहीं,
नॉर्मल जो पेट्रोल गाड़ियां जो होती हैं, डीजल गाड़ियां होती हैं, उन पे भी सेम इम्पैक्ट आता है गाइस, सेम। सो प्लीज डोंट फील दैट कि अरे यार हमें तो एक्सपेक्टेशन को उतना ऊपर मत लेके जाओ कि भाई हमें तो एकदम ताबड़तोड़ रेंज मिलेगी। और गाड़ी को एंजॉय करो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो ये है, एंजॉय योर कार। दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक आउट योर कार एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। एज मच डीसी चार्जिंग आप देना चाहते हो करो, गाड़ी को जो हीटिंग प्रॉब्लम जो होती थी वो होनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली टेक द मेक द बेस्ट यूज एंड मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज केस ईवी का विंटर्स टाइम पर ही होता है, तो उसको प्लीज करो। ऑफ कोर्स पेट्रोल के पैसे नहीं लगते, डीजल के नहीं लगते। फास्ट चार्जिंग अगर आप कोई नेशनल मतलब कि गवर्नमेंट वाले जैसे कि IOC हो गया, BPCL हो गया, HP हो गया, उनसे करवा रहे हो तो 14-15 रुपए में आपकी ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो चार्ज होती है। सो यूज इट। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ ये बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने बोल दिया है कि लॉन्ग ट्रिप्स पर जाओ तो वो कौन सी बेस्ट ऐप्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब लॉन्ग ट्रिप्स पर जाओ तो इन ऐप्स चार्जिंग ऐप्स पर आप भरोसा कर सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ सो दैट उसकी अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। कोशिश की थी कि एक अच्छी सी ये इंफॉर्मेटिव टिप आप तक पहुंचाएं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और मैं निखिल गुप्ता मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।